प्रिय छात्रों, व्यवसाय का अध्ययन कक्षा 12वीं के इकाई 5 अध्याय 8 का हम अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने जाना था अधिकार अंतरण एवं क्या होता है। संगठन के अंतर्गत उपक्रम में जब उच्च अधिकारियों के द्वारा अपने अधिकारों का अंतरण अपने अधीनस्थों को किया जाता है, अर्थात जब उत्तरदायित्वों को अधीनस्थ अधिकारों को सौंपा जाता है, तो उसके साथ साथ अधिकारों का भी अंतरण किया जाता है। उसी के साथ दूसरा शब्द जो है यहाँ पर विकेंद्रीकरण। तो अधिकार अंतरण क्या है ये हमने जाना, अब उसी से दूसरा शब्द जो है विकेंद्रीकरण क्या है इसके बारे में हम यहाँ जानेंगे, इसकी परिभाषा क्या है, इसका आशय क्या है, विकेंद्रीकरण की विशेषताएँ कौन कौन सी हैं, साथ ही उसका महत्व क्या है, और अधिकार अंतरण एवं विकेंद्रीकरण में अंतर क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पर विस्तार से इस अध्याय के अंतर्गत जानेंगे और समझेंगे। अब यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं, दो शब्द हमारे सामने आते हैं, केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण मतलब सेंट्रलाइजेशन और विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन। तो सामान्य तौर पर हम किसी भी संगठन में देखते हैं, खासतौर पर छोटे संगठनों में देखते हैं, कि वहाँ पर निर्णय लेने की भूमिका किसी एक व्यक्ति के पास होती है, तो वो हो जाता है यहाँ पर केंद्रीकरण। तो बहुत से संगठनों में निर्णय लेने में शीर्ष स्तर के प्रबंध की मुख्य भूमिका होती है, जबकि अन्य संगठनों में ये अधिकार प्रबंध के निम्नतम स्तर को दिया जाता है। इस प्रकार से हम दो प्रकार से संगठनों को पाते हैं जो कार्य करते हैं संगठन में। वे नंबर एक, जिन उपक्रम में निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ शीर्ष स्तर के प्रबंधक के पास होता है, वे कहलाते हैं केंद्रीकृत संगठन, अर्थात जिन उपक्रम में डिसीजन या निर्णय लेने का अधिकार उच्च स्तर के लोगों को होता है, वो केंद्रीकृत संगठन कहलाते हैं। फिर दूसरे संगठन वे जिसमें निर्णय लेने का अधिकार निम्न स्तर तक के प्रबंध को भी रहता है, वो क्या है, विकेंद्रीकृत संगठन। तो इस प्रकार से उपक्रम में दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण। और हम डिटेल में देखेंगे, केंद्रीकरण जो है संगठन में अधिकार एवं निर्णयों को सर्वोच्च स्तर पर केंद्रित होने से लगाया जाता है। यहाँ पर निर्णय लेने की भूमिका में अधीनस्थों की भूमिका क्या होती है, जीरो हो जाती, नगण्य हो जाती है, और वे केवल अपने उच्च प्रबंधकों द्वारा लिए गए निर्णयों को क्रियान्वित करते हैं। तो यहाँ केंद्रीकरण की स्थिति में हम देखते हैं कि यहाँ पर संगठन से जुड़े हुए समस्त अधिकार निर्णयों के अधिकार जो हैं वो उच्च स्तर पर सर्वोच्च स्तर पर होते हैं, और जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उनका डिसीजन में उनकी कोई भूमिका नहीं होती, उनका कार्य सिर्फ क्या होता है, वे प्रबंधक द्वारा दिए गए निर्णयों को क्रियान्वित करते हैं। वहीं विकेंद्रीकरण जस्ट इसके विपरीत है, इसमें अधिकार व निर्णयों को संपूर्ण संगठन में बिखराव से लगाया जाता है, अर्थात संगठन में के जो अधिकार हैं वो संगठन के विभिन्न स्तरों पर सभी को बटे हुए रहते हैं। इसके अंतर्गत केवल कुछ महत्वपूर्ण अधिकारों को छोड़कर सभी अधिकार निम्नतम स्तर तक एक क्रमबद्ध ढंग से निचले स्तर तक फैला दिए जाते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों क्या है, एक सापेक्षिक शब्द हैं, क्योंकि किसी भी उपक्रम में ना तो केवल केंद्रीकरण संभव है और ना ही पूर्णतः विकेंद्रीकरण संभव होता है, बल्कि इन दोनों का हमें मिश्रित रूप ही देखने को मिलता है। तो किसी भी उपक्रम में हम ये पाते हैं कि केंद्रीकरण अर्थात डिसीजन लेने की जो अधिकार है वो एक व्यक्ति के पास होना, और विकेंद्रीकरण अर्थात डिसीजन लेने का अधिकार जो है उच्च स्तर से लेकर निचले स्तर तक अन्य लोगों के पास भी होना। तो किसी भी उपक्रम में हम पूर्ण रूप से ना तो केंद्रीकरण की स्थिति को अपना सकते हैं, ना ही पूर्णतः विकेंद्रीकरण की स्थिति को अपना सकते हैं, बल्कि हमें उपक्रम को सफलतापूर्वक चलाने के लिए दोनों के मिश्रित रूप को ही लेकर चलना होता है। तो यह है केंद्रीकरण क्या है और विकेंद्रीकरण क्या है। यहाँ हम देखेंगे विकेंद्रीकरण क्या कहलाता है।
तो विकेंद्रीकरण जो है क्या है, अधिकार अंतरण का एक विस्तृत रूप है। इसमें जो है उच्च प्रबंधक अपने अधीनस्थ को अधिक मात्रा में अधिकार प्रदान करता है, वो विकेंद्रीकरण कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए एक उपक्रम का मुख्य प्रबंधक अपने उत्पादक प्रबंधक को अपने विभाग के कर्मचारियों की भर्ती मजदूरी आदि का अधिकार प्रदान करता है तो वो कहलाता है अधिकार अंतरण। किंतु यही कार्य मुख्य प्रबंधक जो है सभी विभागों के विभागीय अधिकारियों को अलग अलग सौंप देता है तो वो विकेंद्रीकरण कहलाता है। अर्थात यहाँ पर हमने देखा कि जो मुख्य प्रबंधक का कार्य था उसने अपना कार्य यहाँ उत्पादन प्रबंधक को दे दिया, इससे यहाँ पर मुख्य प्रबंधक का जो है कार्य क्या हो गया, हल्का हो गया। लेकिन यहीं पर यदि मुख्य प्रबंधक ने ये कार्य सभी अपने अपने विभागीय अधिकारियों को सौंप दिए तो वो क्या हो जाएगा, विकेंद्रीकरण कहलाएगा। परिभाषा है फ्योल की, अधीनस्थ की भूमिका के महत्व को बढ़ाने के लिए जो भी किया जाए वह विकेंद्रीकरण के अंतर्गत आता है। अर्थात एक शीर्ष स्तर का अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से बेहतर कार्य कराने के लिए, उसके अधिकारों में वृद्धि करने के लिए और वो बेहतर कार्य कर सके उसके महत्व को बढ़ाने के लिए जो कुछ भी करता है वो विकेंद्रीकरण के अंतर्गत आता है। फिर एलन ने कहा है उन अधिकारों के अतिरिक्त जिनका प्रयोग केवल केंद्रीय बिंदुओं पर हो ही किया जा सकता है, समस्त अधिकारों का निम्नतम स्तर तक भारार्पण करने का व्यवस्थित प्रयास ही क्या है, विकेंद्रीकरण। डेविड कीविस के अनुसार, कीथ डेविस के अनुसार, सत्ता एवं उत्तरदायित्व का जहां तक व्यवहारिक हो संगठन की छोटी से छोटी इकाई तक व्यापक वितरण क्या है, विकेंद्रीकरण कहलाता है। अर्थात संगठन को संचालित करने के लिए जो सत्ता है और जो उत्तरदायित्व है जो भी व्यवहारिक है, संगठन की छोटी सी छोटी इकाई तक उसका व्यापक रूप से वितरण कर देना विकेंद्रीकरण कहलाता है। तो यहाँ इस प्रकार से निर्णय लेने के अधिकार को व्यवस्थित ढंग से निम्नतम स्तर तक ऐसे लोगों को सौंपना जिन्हें निर्णय को स्वयं लागू करना हो या जो उन निर्णयों के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हों, विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। तो इस प्रकार से अपने अधीनस्थों को उचित उत्तरदायित्व के साथ अधिकार सौंपना विकेंद्रीकरण कहलाता है। अब यहाँ पर विकेंद्रीकरण की जो परिभाषा है या विशेषताएं हैं वो हमारे सामने निम्न है। भारार्पण विकेंद्रीकरण का प्रथम चरण होता है। भारार्पण अर्थात जो कार्यभार है उस संबंधित अधीनस्थ कर्मचारी को या अधिकारी को सौंपना वो कहलाता है भारार्पण। तो भारार्पण विकेंद्रीकरण का क्या है, प्रथम चरण, अर्थात कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपना। दूसरा है विकेंद्रीकरण अधीनस्थ की भूमिका को महत्व प्रदान करता है। अब जब एक अधीनस्थ अधिकारी को उत्तरदायित्व दिए जाते हैं तो उसके साथ उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए उसे अधिकार भी प्रदान किए जाते हैं। तो विकेंद्रीकरण के अंतर्गत एक अधिकारी को अधिकार प्रदान किए जाते हैं, इससे उसकी भूमिका जो है उस उपक्रम में उस संगठन में बढ़ती है। फिर तीसरी स्थिति यह संपूर्ण संगठन में लागू होने वाली प्रक्रिया है। अर्थात उस संगठन के जो भी अलग अलग विभाग है, चाहे क्रय विभाग हो, उत्पादन विभाग हो, विक्रय विभाग हो और कार्यालयीन विभाग हो, कारखाना विभाग है, यहाँ पर जो है संपूर्ण संगठन में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। अर्थात हर विभाग के अपने अपने विभाग प्रमुख होते हैं, उन हर एक विभाग प्रमुख के पास अपने अपने अधिकार होते हैं और उन अधिकारों के तहत वो अपने जो उनको कार्य सौंपे गए हैं उनको वो पूरा करते हैं। तो ये संपूर्ण संगठन में लागू होता है। फिर इसमें उत्तरदायित्व के अनुपात में अधिकारों का अंतरण किया जाता है। यहाँ पर जो है भारार्पण के अनुसार जो उनके उत्तरदायित्व हैं, जो कार्य उन्हें पूरा करना है, उसी कार्य के अनुपात में अधिकार भी उनको सौंपे जाते हैं। अर्थात जिस अनुपात में उनके पास कार्यभार है उसी अनुपात में उन्हें अधिकार प्रदान किए जाते हैं ताकि वो अपने अधिकारों का उपयोग करके उस उत्तरदायित्व को पूरा कर सकें। फिर अधीनस्थों को स्वायत्तता तथा परिणाम प्रदर्शित करने का अवसर देता है। स्वायत्तता मतलब यहाँ पर स्वतंत्रता। जो अधीनस्थ अधिकारियों को हमने जो स्वतंत्रता दी है, जो उनको अधिकार दिए हैं, उस अधिकार से, उस स्वतंत्रता से वो बेहतर परिणाम प्रदर्शित करते हैं।
फिर विकेंद्रीकरण में अति महत्वपूर्ण मामलों में केंद्रीकृत निर्णय बनाए रखना संभव होता है। तो विकेंद्रीकरण में जब हम बहुत सारे नियमों को अधिकारों के अंतर्गत जो है निर्णयों को लेने के लिए अधीनस्थों को हम अधिकार प्रदान कर देते हैं, वहीं कुछ महत्वपूर्ण मामलों में हम केंद्रीकृत निर्णय बनाए रखना भी हमारे लिए संभव होता है। फिर इसके अंतर्गत निर्णय प्रक्रिया में अधीनस्थों की भी भागीदारी प्राप्त होती है, उच्च स्तर पर भी हो चाहे निम्न स्तर पर भी हो, किसी भी प्रकार के हमें डिसीजन निर्णय लेना है तो उन सभी डिसीजन निर्णय में अधीनस्थों की भी हमें भागीदारी प्राप्त होती है। तो ये कुछ प्रमुख विशेषताएं जो विकेंद्रीकरण की विशेषताएं कहलाती हैं। यहाँ पर जो महत्व है विकेंद्रीकरण का महत्व, तो विकेंद्रीकरण जो है उपक्रम के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आवश्यक है कि विकेंद्रीकरण प्रत्येक उपक्रम में जो भी अपनाया जाता है वो किस मात्रा में अपनाया जाए, इससे जो महत्व है, इसके जो फायदे हैं, जो लाभ हैं, गुण हैं, वो देखते हैं हम कि उच्च प्रबंधक के भार में कमी। तो विकेंद्रीकरण के फलस्वरूप जो है उच्च शीर्षस्थ प्रबंध को अधिक के द्वारा अधिकार जो हैं अधीनस्थों को सौंप दिए जाते हैं, तो यहाँ पर उनके कार्यभार में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है और वे उपक्रम के दूसरे कामों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। फिर अधीनस्थ प्रबंधकों का विकास, इस प्रक्रिया में जो निचले स्तर के अधीनस्थ प्रबंधक हैं उनको कार्यभार प्राप्त होने से उनकी क्षमता, उनकी पहल शक्ति, उनकी कार्यकुशलता, साहस और नवप्रवर्तन की प्रकृति को क्या बोलता है, प्रोत्साहन मिलता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मुख्य प्रबंधकों द्वारा अधिकारों को जब अंतरण कर दिया जाता है तो उनका हस्तक्षेप उस विभाग में कम हो जाता है। इससे क्या होता है, अधीनस्थ जो है स्वयं निर्णय के लेने से अधिकार उनके पास आ जाता है और उन निर्णयों को भी स्वयं क्रियान्वित करने से स्वयं प्रोत्साहित होते हैं। तो अधीनस्थों का क्या होता है, उनका विकास होता है, मनोबल में वृद्धि होती है। इस प्रक्रिया से जुड़े हुए समस्त विषयों पर निर्णय लेने का अधिकार अधीनस्थों को प्राप्त होने से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनका मनोबल बढ़ता है, उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। फिर इसके बाद प्रबंधकीय गुणों का विकास, तो यहाँ हम देखते हैं कि विकेंद्रीकरण से सहयोगी प्रबंधकों के प्रबंधकीय गुणों का विकास होता है और उनका प्रबंधकीय ज्ञान, अनुभव व निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। तो विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया होने से जो अधीनस्थ हैं, जो सहयोगी प्रबंधक हैं, वे अधिकार संपन्न होते हैं, निर्णय लेने की उनमें क्षमता बढ़ती है, इससे प्रबंधकीय गुणों का उनमें विकास होता है। तो उनसे उनको क्या फायदा है, उससे उनका प्रबंधकीय ज्ञान बढ़ता है, साथ ही अनुभव उनको प्राप्त होता है और उनकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, जो कि प्रबंधकीय गुण कहलाते हैं। तो यहाँ पर विकेंद्रीकरण से प्रबंधकीय गुणों का विकास अधीनस्थों के लिए होता है। फिर जोखिम में कमी, इसमें विकेंद्रीकरण के फलस्वरूप जो है निर्णयों से संबंधित जोखिम का बंटवारा हो जाने से यह उपक्रम के विभिन्न स्तरों में बढ़ जाता है। यहाँ विकेंद्रीकरण के अंतर्गत हम विभिन्न विभागों को विभागीय अधिकारियों को अधिकार प्रदान कर देते हैं, जो कि समस्त संबंधित विभागीय अधिकारी जो है उस जोखिम को वहन करने के लिए सक्षम रहते हैं। तो यहाँ पर जोखिम का जो बंटवारा है वो उपक्रम के विभिन्न स्तरों में बट जाता है। तो यहाँ पर जो उच्च शीर्ष स्तर पर जोखिम है उसमें कमी आ जाती है। फिर शीघ्र निर्णय, इसके अंतर्गत जो है कर्मचारी अधिक उत्साह से काम करते हैं, क्योंकि निर्णय उन्हें यहाँ स्वयं लेने होते हैं और स्वयं उन्हें क्रियान्वित भी करने होते हैं, अतः यहाँ प्रबंधकीय निर्णय लेने में शीघ्रता आती है। फिर पारस्परिक सहयोग में वृद्धि, विकेंद्रीकरण के अंतर्गत जो है अधिकार प्राप्त प्रबंधक अपने कार्यवर्ग के सदस्यों को आपस में जोड़कर एक टीम बनाकर कार्य करने में विश्वास रखते हैं। अब विकेंद्रीकरण के अंतर्गत जब यहाँ पर किसी संबंधित विभागीय अधिकारी को उत्तरदायित्व के साथ उसको अधिकार भी प्राप्त हो जाते हैं, तब इस स्थिति में वो अपने उस उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए, अपने कार्य को पूरा करने के लिए एक आपस में मिलकर एक सदस्यों की टीम बनाता है और टीम बनाकर जो उस कार्य को बेहतर ढंग से पूरा करने का जो है प्रयास करता है। तो अब यहाँ पर जो उसने टीम बनाई हुई है उसमें समस्त सदस्य जो होते हैं वे आपस में घुले मिले होते हैं और स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, परिणाम स्वरूप उपक्रम में एक
अच्छा और बेहतर सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्मित होता है। फिर कुशलता का मापन, विकेंद्रीकरण के माध्यम से अधिकार प्राप्त अधिकारी कर्मचारियों को कुशलता व अकुशलता का मापन हो जाता है और बेहतर अधिकारियों को छांटकर उन्हें महत्वपूर्ण कार्य सौंपे जा सकते हैं। तो जब विकेंद्रीकरण के माध्यम से हम विभिन्न अधिकारी कर्मचारियों को अधिकार प्रदान करते हैं तो साथ में उनका मापन भी करते हैं, देखते हैं कि जो अधिकार उन्हें प्रदान किए गए उस कार्य अधिकार के अनुरूप उनके द्वारा कार्य किए गए अथवा नहीं, और यदि बेहतर किए गए तो उन्हें हम और भी महत्वपूर्ण कार्य सौंप सकते हैं। तो ये थे यहाँ पर आपके विकेंद्रीकरण के महत्व। यहाँ हम देखेंगे अधिकार अंतरण एवं विकेंद्रीकरण के बीच में क्या अंतर है। तो सामान्य तौर पर जैसा कि हम जान चुके हैं कि विकेंद्रीकरण जो है अधिकार अंतरण का एक व्यापक और विस्तृत रूप है, फिर भी दोनों में जो अंतर है उनको यहाँ हम देखेंगे। आशय के माध्यम से अधिकार अंतरण जो है वो एक अधिकारी द्वारा अधीनस्थ को सत्ता का हस्तांतरण है, अर्थात एक निश्चित समय के लिए एक अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ को अपने दायित्व के साथ साथ कुछ अधिकारों का हस्तांतरण करना जो है वो अधिकार अंतरण है। विकेंद्रीकरण जो है, विकेंद्रीकरण संपूर्ण संगठन में सत्ता का फैलाव है, अर्थात संपूर्ण संगठन में जो है अधिकारों को समस्त विभागीय अधिकारी अधीनस्थों को वितरित किए जाते हैं। फिर प्रक्रिया या परिणाम क्या है, अधिकार अंतरण जो है वो निम्न पदों पर कार्य अधिकार व दायित्व अंतरण करने की प्रक्रिया है, अर्थात जो अधीनस्थ हैं एक अधिकारी से नीचे के जो पद पर जो कार्य करने वाले हैं उनको कार्य सौंप देना अधिकार व दायित्व अंतरित करने की एक प्रक्रिया है। विकेंद्रीकरण जो है वो व्यवस्थित रूप से संगठन में अधिकार अंतरण का परिणाम है, अर्थात ये व्यवस्थित ढंग से जैसे संगठन में जो शीर्षस्थ अधिकारी है उसके बाद जो प्रबंधकीय अधिकारी हैं फिर उसके पश्चात विभागीय अधिकारी हैं, यहाँ पर जो है संपूर्ण रूप से संगठन में सत्ता का एक क्या होता है, फैलाव होता है, बिखराव होता है, वो है विकेंद्रीकरण। फिर अवधि, अधिकार अंतरण कम समय के लिए किया जाता है, अर्थात किसी निश्चित कार्य को निश्चित समय में पूरा करने के लिए अपने अधीनस्थ को सत्ता जब हम सौंप देते कुछ समय के लिए तो वो क्या है, अल्पकालीन है, अर्थात अधिकार अंतरण की प्रक्रिया जो है अल्पकालीन होती, कुछ समय के लिए होती। विकेंद्रीकरण की जो प्रक्रिया है वो कैसी होती है, दीर्घकालीन होती है, लंबे समय के लिए होती है। फिर पक्षकार, अधिकार अंतरण जो है व्यक्ति से व्यक्ति को किया जाता है, अर्थात उच्च अधिकारी जो है अपने से नीचे स्तर के अधिकारी को यहाँ पर अधिकार प्रदान करता है, जबकि विकेंद्रीकरण जो है वो संपूर्ण संगठन स्तर पर किया जाता है, संपूर्ण संगठन में हर एक अधिकारी हर एक कर्मचारी के अपने अपने अधिकार होते हैं। फिर आवश्यकता की बात करें यहाँ हम, तो संस्था के कुशलतापूर्वक संचालन एवं उसके उद्देश्य की पूर्ति हेतु अधिकार अंतरण एक अनिवार्यता है, अर्थात संस्था का कुशलतापूर्वक संचालन करने के लिए जो उद्देश्य हैं संस्था के उसको पूरा करने के लिए अधिकार अंतरण जो है वो एक आवश्यक तत्व है, अनिवार्यता है। जबकि कुशलता के साथ कार्य करने हेतु उपक्रम का विकेंद्रीकरण करना आवश्यक नहीं होता, अर्थात यहाँ पर जो है कार्य की कुशलता से विकेंद्रीकरण को उतना मतलब नहीं होता, यहाँ पर विकेंद्रीकरण जो है वो सिर्फ सत्ता का क्या है, सभी स्तरों पर फैलाव है। तो यहाँ पर कार्य की कुशलता जो है वो अधिकार अंतरण के लिए कुशलतापूर्वक संचालन करने के लिए कार्य को अधिकार अंतरण किया जाता है। फिर प्रकृति की बात करें तो अधिकार अंतरण जो है प्रबंध की टेक्निक है, तकनीक है, अर्थात ये किसी कार्य को निश्चित समय में पूरा कराने के लिए अधिकार उत्तरदायित्व को सौंप कर कार्य को पूरा कराने की ये क्या है, तकनीक है। जबकि विकेंद्रीकरण जो है वो प्रबंध की दर्शन एवं दृष्टिकोण से संबंधित है, विकेंद्रीकरण जो है ये प्रबंध का क्या है, एक दृष्टिकोण है, उसका एक दर्शन है। तो इस प्रकार से यहाँ हमने जाना कि अधिकार अंतरण क्या है और विकेंद्रीकरण क्या है, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। इससे जुड़े हुए कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं। अधिकार अंतरण एक प्रक्रिया है, इस कथन को समझाइए। दूसरा बिंदु है,
अधीनस्थों की योग्यता विकेंद्रीकरण को किस प्रकार से प्रभावित करती है, विकेंद्रीकरण की परिभाषा लिखिए। तीसरा, अधिकार अंतरण के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, संक्षेप में समझाइए। चौथा है, अधिकार अंतरण का महत्व लिखिए। पांचवा, विकेंद्रीकरण की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। और छठवा बिंदु है यहाँ पर विकेंद्रीकरण का महत्व के 6 बिंदु, उनको आप समझाइए। और अंतिम बिंदु यहाँ पर है प्रश्न, अधिकार अंतरण एवं विकेंद्रीकरण में अंतर लिखिए।